तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जो हमारी पल्सर UG3 है उसका साइड पैनल जो हम चेंज करने वाले, कितने का आता है साइड पैनल ये भी आप लोगों को बताएंगे और कैसे फिटिंग करना है ये भी आप लोगों को बताएंगे। तो जो साइड पैनल हमारा पल्सर UG3 बाइक का है तो उसी का हम साइड पैनल चेंज करेंगे और आप लोगों को बताते हैं कैसे फिटिंग करना है और इसकी प्राइस क्या है, कितने का आया और फिटिंग कैसे करना है और फिटिंग करने के टाइम पे और क्या क्या लगेगा, ये जानकारी आज आप लोगों को देंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहना, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे रहो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को सबसे पहले जो नए पैनल में लेके आता हूँ वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये हमारे साइड पैनल SR कंपनी के पैनल है, नए एकदम पैनल है। इसकी क्वालिटी वगैरह आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ साइड पैनल पल्सर UG3 ब्लैक कलर का है। तो चलो अब इसको हम खोल के आप लोगों को दिखाते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह क्या है। तो ये हमारा साइड पैनल जो इसके साथ में आई हुई है, जाली भी नहीं मिलती है। ये देखो ये जो जाली होती है पैनल में जो लगती है इस जगह पे लगती है, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से ये जाली लगती है। तो ये भी हमको नई मिल जाती है, इसको फिटिंग कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसके स्क्रू वगैरह सब आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो चलो हम क्या करते हैं इस ये जाली को पहले अलग रखते हैं, उसके बाद इसका जो पैनल है उसकी क्वालिटी वगैरह आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग है, बिल्कुल एक जरा से भी कहीं पर डॉट वगैरह आप लोगों को नहीं नजर आ रहा होगा, बिल्कुल फिनिशिंग से बना हुआ है। तो काफी बढ़िया पैनल है, SR जो कंपनी का पैनल है काफी बढ़िया है। यहाँ पे ये पैनल हमारा एक तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब निकालते हैं दूसरा वाला पैनल वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये हमारा दूसरा वाला पैनल है, इसकी जाली यहाँ पे है तो मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ। जो हम पैनल लेंगे तो जाली जो है पैनल की दोनों नई हमको मिल जाती है, तो ये जाली हमको नई मिली है दोनों। ये देखो दोनों जाली नई है और इसका जो पहले वाला यहाँ पे रखा हुआ और दूसरा वाला जो पैनल है उसकी फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग है, एक जरा से भी इसमें कोई खरोच वगैरह नहीं, डॉट वगैरह नहीं, ये तो बिल्कुल मस्त है। ये देखो और इसके जो खांचे वगैरह हैं सब कुछ सही है। तो अब ये जो दो पैनल है पैनल को करते हैं बाइक में फिटिंग, फिटिंग कैसे करना वो बताते हैं। यहाँ पे हमारी जो बाइक है बाइक में पैनल एक लगा हुआ है, तो पहले पैनल को खोलते हैं। तो ये हमारा पैनल खुल चुका है, पैनल यहाँ से ये वाला टूटा हुआ है, ये देखो बहुत ज्यादा टूटा हुआ क्रैक है पूरा पैनल। तो पैनल को अब रखते हैं हम साइड में और दूसरा वाला भी आप लोगों को दिखाते, तो दूसरे साइड में पैनल गैप है, ये देखो पैनल नहीं है तो इसीलिए हम दोनों पैनल चेंज कर रहे हैं। तो अब इसकी जो सीट है वो निकालते हैं, पहले यहाँ पे होता है एक सीट लॉक, ये देखो ये वायर को पकड़ खींच लोगे तो आपकी सीट निकल जाएगी। तो ये हमारी सीट निकल गई, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पैनल फिटिंग कैसे करना है ये बताता हूँ आप लोगों को। तो ये जो हमारा पुराना वाला पैनल है ये जो टूटा हुआ है इसमें एक लॉक होगा, ये लॉक को खोल लेना क्योंकि एक लॉक पुराना लग जाएगा और एक लॉक हम नया लगाएंगे। ये है नया लॉक, तो एक में नया लॉक लगा देंगे और एक में जो पुराना लॉक है वही लगाएंगे क्योंकि ये लॉक बिल्कुल बढ़िया है। तो इसको अब हम खोलते हैं, इसको निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पे एक रबर होती है, पहले रबर निकालेंगे और उसके बाद एक बोल्ट यहाँ पे लगा होता है जो प्लास की मदद से हम इसको खोलेंगे, यहाँ पे होता है 27 नंबर की रिंच से भी खुल जाता है, बट हमारे पास प्लास है तो प्लास से हम खोल लेते हैं। तो इसको खोल के इसका लॉक निकाल लेते हैं अब बाहर। तो यहाँ पे हमारा बोल्ट लूज हो चुका है, तो अब हम क्या करते हैं इसको पूरा खोल लेते हैं, हाथ से खुल जाएगा, आराम से खुल जाता है। ये देखो ये लॉक इस तरीके से बाहर की तरफ धक्का देके निकाल देना है। तो ये लॉक में कोई कमी नहीं है, पैनल ही खराब है तो पैनल को चेंज करते हैं और लॉक पुराना ही लगाते हैं। आप लोगों को नया लगाना तो आप लोग नया लगा लो। तो अभी हमारी ये जो जाली है जाली को फिट करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे जाली को इस तरीके से फिटिंग करेंगे और इसमें जो तीन स्क्रू हैं ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखो तीन स्क्रू हैं, ये देखो तीन स्क्रू अलग से आप लोगों को लेना पड़ेगा, तो तीनों स्क्रू लगा के हम टाइट कर लेते हैं अब। तो जाली हमारी फिटिंग हो चुकी है, अब इसका लॉक लगाते हैं, जो हमारा पैनल का लॉक होता है वो लगाते हैं, ये वाला नया वाला लॉक लगाते हैं। इसका जो बोल्ट खोलते हैं इसकी चाबी को भी निकालते हैं बाहर, ये चाबी यहाँ से घुमा के निकाल लेना है, यहाँ से घुमाओगे तो चाबी निकल जाएगी आप लोगों की। ये देखो ये चाबी निकल गई, अभी ये लॉक को फिटिंग करते हैं, फिटिंग कैसे करना है ये देखो, यहाँ पे इस तरीके से पैनल पकड़ना और लॉक को इस तरीके से फिट करना है। ये देखो एरो आप लोगों का ऊपर की तरफ जाएगा, तो एरो इस तरीके से फिट करना, उसके बाद में आप पीछे की तरफ आना है और यहाँ पे जो ये जो बोल्ट है लगा के कर देना है टाइट। तो चलो इसको हम टाइट कर लेते हैं
और ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका लॉक वगैरह हमने चेंज कर दिया। अब जो दूसरा वाला पैनल है उसको लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल हो गया है कंप्लीट। अब दूसरा वाला पैनल लेते हैं, उसमें भी सेम इसी तरीके से हम फिटिंग करेंगे। इसकी पहले जाली लगाएंगे, इस तरीके से जाली लगा के जो इसके तीन स्क्रू वो लगा के करेंगे टाइट, और उसके बाद इसका जो लॉक है लॉक को फिटिंग कर दें। ये है तीन स्क्रू इसके और इसका ये है लॉक, तो सेम उसी तरीके से फिटिंग कर लेना ये वाला भी पैनल। तो चलो कंप्लीट कर लेते हैं पैनल। तो हमारा पैनल हो गया कंप्लीट, ये देखो दूसरा वाला पैनल हो गया कंप्लीट, और इसमें जो लॉक लगा हमने पुराना ही लॉक है, आप लोग देख सकते हो खुद, तो पुराना लॉक हमने इसमें लगाया और नया लॉक जो हमने इसमें लगाया, ये देखो नया लॉक। तो आप लोगों के लॉक अगर अच्छे हैं तो आप लोग लॉक मत चेंज करो। तो हमने दोनों पैनल कंप्लीट कर लिए, अब इनको बाइक में करते हैं फिटिंग। उससे पहले ये जो दो रबर हैं, रबर इसमें नहीं थी, इस जगह पे यहाँ पे जो पैनल का लॉक फंसता है इस जगह पे रबर नहीं थी, तो रबर लगा लेना बहुत जरूरी है रबर, वरना आपका जो पैनल है वो हिलने लगेगा। तो दोनों तरफ रबर नहीं है, तो दोनों तरफ हमने रबर लगा लिया है। यहाँ पे रबर है टंकी में, ये देखो, और पीछे में नहीं थी, तो पीछे में हमने नहीं लगा दिए, टंकी में जो हमारी पुरानी लगी हुई है। तो अब इसका जो पैनल लेते हैं, पैनल को करते हैं फिटिंग। तो पहले पैनल को फिटिंग करते हैं हम, लेफ्ट साइड वाला पैनल यहाँ पे, ये देखो ये जो खाँचा है इसमें घुसेगा, इस तरीके से यहाँ पे घुसवा देना। ये देखो मैं आप लोगों को लगा के खाँचा बैठा के दिखाता हूँ, यहाँ पे ये इस तरीके से बैठ जाएगा, बैठ गया। और अभी आगे आप लोगों को टंकी वाले रबर में बैठा देना, ये देखो ये भी बैठ गया। अभी इसका चाबी लगा के इसको कर देना है लॉक। तो चलो हम इसको अब कर लेते हैं लॉक। तो हमारा एक पैनल हो गया कंप्लीट, लॉक हो गया है, ये देखो एक पैनल हमारा लग चुका है। अब हम दूसरा वाला पैनल लेते हैं, और दूसरा वाला पैनल को भी इसी तरीके से फिटिंग करना है, सेम जैसे हमने फिटिंग किया उस साइड का, और ये जो राइट साइड का है, राइट साइड का भी उसी तरीके से खाँचे में बैठा के, देखो हमने पीछे बैठा लिया, और आगे वाले में रबर में इस तरीके से टैंक वाले में बैठा के दबा देंगे। ये देखो ये बैठ गया। अभी इसका जो लॉक है वो लगा के इसको, ये देखो लॉक कर देते हैं। तो पैनल हमारा ये वाला भी लॉक हो गया, दोनों पैनल लग चुके हैं, दोनों पैनल हो गए कंप्लीट। अब जो इसकी सीट है, सीट लेते हैं, सीट लगाते हैं बाइक में। तो चलो सीट को लगा लेते हैं अब बाइक में, यहाँ पे रखी हुई हमारी सीट, तो सीट को भी अब बाइक में लगा लेते हैं, इस तरीके से लगा के इसको भी लॉक कर देते हैं। तो हमारे दोनों पैनल जो वो हो गए फिटिंग, ये देखो ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला ये भी प्रॉपर फिटिंग हो चुका है, और हमारा जो राइट साइड का है, राइट साइड वाला भी फिटिंग हो चुका है, ये देखो ये राइट वाला भी फिटिंग हो चुका है। तो अभी हमारे पैनल हो गए कंप्लीट फिटिंग, और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो पुराना वाला था हमारा पैनल, ये देखो एक था इस बाइक में, एक नहीं था, आप लोगों ने देखा था, तो ये वाला जो यहाँ से क्रैक था पूरा। तो चेंज कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, साइड पैनल कैसे चेंज करना है पल्सर बाइक के। तो अभी जो बात आती है वो प्राइस की बात आती है कि हमारी जो पैनल दोनों थे ये कितने के आए, मतलब कितने के मिले। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हमारा एक पैनल है, वन पैनल जो 250 रुपीज का, मतलब 250 रुपए का एक पैनल पड़ रहा मेरा। तो आप लोग एक पैनल मिलता नहीं, बाकी दोनों पैनल एक साथ लेना पड़ता है, एक पैनल आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो दोनों पैनल को एक साथ लेना पड़ेगा। तो अभी ये वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पे ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।